दोस्तों राम राम। दोस्तों कुछ भाई साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि आप दीन दयाल उपाध्याय यानी कि दयालु योजना की 2 की बात कर रहे हैं, ये कौन सी अखबार की कटिंग है, ये एरा वगैरह। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि दीन दयाल उपाध्याय यानी कि दयालु योजना 2 भी शुरू हो चुकी है। प्रूफ हम देंगे आपको लाइव, बिल्कुल जो 1 थी उसमें क्या क्या कंडीशन है और उसमें आपको क्या क्या मिलता है। 5 लाख तक का लाभ दोनों ही कंडीशन में आपको मिलेगा और लाइव आपको बिल्कुल पोर्टल पर दिखाएंगे। देखिए हम मेन वेबसाइट के पोर्टल पर हैं, अभी ऊपर 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करके आप देखिए व्यू अप्लाइड स्कीम, एक नया ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने अभी जोड़ दिया है और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको व्यू जो भी अप्लाई स्कीम है वो आपको नज़र आएंगी। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें जो है वो है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोनों प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से PDF में एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना और ये है दयालु और योजना नंबर 1। और यहाँ पे है 2nd नंबर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु 2nd। ये दोस्तों लाइव है, बिल्कुल आपको, आप खुद भी जब इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको खुद भी यकीन हो जाएगा कि आपका भाई, छोटा भाई झूठ नहीं बोलता है। तो वहाँ पे कमेंट जब हमने पढ़ी तो आपके लिए हमने यहाँ से वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आपने अखबार की कटिंग को ऐसे ही सोच लिया था। तो यहाँ पे देखिए हम दीनदयाल उपाध्याय 2nd, उसको हमने यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर चुके हैं। अभी डाउनलोड हो जाएगा तो PDF के रूप में हम आपको इसको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये है दयालु योजना 2। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है वो सब यहाँ पे दिया गया है, जो हमने पीछे वीडियो बनाई थी उसका लिंक हम अंत में दे देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से शुरू होती है हरियाणा गवर्नमेंट की जो दीनदयाल उपाध्याय 2nd है। तो यहाँ से ये PDF है दोस्तों, देखिए चंडीगढ़ वेडनसडे मई 24, 2023 को इस नोटिस को जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या कंडीशन है। दोस्तों सेम है, वैसे तो हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए इसमें प्लानिंग दी गई है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इसके बारे में है थोड़ा बहुत बताया गया है। जर्नल इंक्वायरी भी यहाँ पे दी गई है कि फैमिली आईडी के हिसाब से ही आपका जो है ये अप्लाई होगा और फैमिली आईडी के हिसाब से ही आपके मेंबर वगैरह की जांच पड़ताल होगी और फैमिली आईडी के हिसाब से ही खाता जो आपने उसमें अपलोड किया हुआ है उसमें ही आपको इसका लाभ मिलेगा। दयालु योजना 2nd मीन्स दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2nd, ये है एक्सीडेंट और स्ट्रे, आप देख सकते हैं कैटल एनिमल्स भी इसमें जोड़ा गया है और यहाँ पे देखिए परमानेंटली डिसेबिलिटी भी इसमें जोड़ी गई है। एक तो है एक्सीडेंट, यदि आपकी एक्सीडेंटली डेथ होती है तो आपको 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। यदि आपको कोई कुत्ता या फिर कोई आलतू फालतू जानवर जितने भी घूमते हैं, इन केस अगर दोस्तों आपको उससे किसी कारण टकराव हो जाता है या उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है, वो भी भरपाई जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा करेगी। इसके साथ साथ जो भी अगर इन केस डेथ भी हो जाती है तो भी आपकी फैमिली के हेड को बेनिफिट मिलने वाला है। स्टेट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राज्य का जो निवासी होना बहुत ज़रूरी है, वो ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सब कुछ एलिजिबिलिटी जो आपके सामने है वो भी यहाँ पे दी गई है कि परिवार पहचान पत्र संख्या आपके पास होनी ज़रूरी है, 1,80,000 से नीचे आपकी आय होनी ज़रूरी है। ये सब कंडीशंस हैं और ये सब फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। देखिए अप टू 12 ईयर, अगर 12 साल से ऊपर आपकी एज है तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 12 साल से, दोस्तों 12 साल तक
अगर 1 साल से लेकर 12 साल तक आपको 1 लाख और 12 साल से लेकर 18 साल तक 2 लाख और 18 साल से 25 साल तक आपको 3 लाख और 25 से लेकर 40 तक आपको 5 लाख रुपया मिलेगा और 40 की एज से अप टू फिर यहाँ पे 2 लाख रुपया मिलता है। तो दोस्तों क्लेम आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप इस पोर्टल से अप्लाई करेंगे, फैमिली आईडी से ही अप्लाई होगा, न आपके इसमें कोई अदर्स डॉक्यूमेंट चाहिए और न ही आपका कोई और इसमें पीडीएफ वगैरह अपलोड होगा। सिर्फ और सिर्फ आप एक डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एफआईआर, ये आपका ज़रूरी है और साथ में फैमिली आईडी में इनकम वगैरह वो जांच पड़ताल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कि आलतू फालतू जानवर जो होता है या फिर कुत्ता वगैरह आपको काट लेता है तो उसमें भी आपको यहाँ पे 70% एबव डिसेबिलिटी बताई गई है और हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज समरी है वो भी साथ में लगाएंगे और एफआईआर और डीडीआर साथ में लगाने के साथ साथ आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कंडीशंस इज एलिजिबिलिटी और इसके साथ साथ जो भी एग्रीमेंट वगैरह जो भी आपको वो देना होगा साथ के साथ ही आप अप्लाई कर पाएंगे और दोस्तों आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आपको वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाइए देखिए और अच्छे से समझिए और इस योजना के बारे में विस्तार से आप समझ सकते हैं खुद भी आप जाकर पोर्टल पर। तो दोस्तों ये थी स्कीम और इससे पहले जो स्कीम थी हमने उसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु योजना 1 के बारे में उसकी वीडियो हम अंत में दे रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ ऐसे ही एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।